देश को अब अनलॉक करने की मुहिम शुरू। सरकार ने लॉकडाउन 5.0 का किया ऐलान। 1 से 30 जून तक 3 चरणों में होगा देश को खोलने का काम। गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 को केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 का नाम दिया है। अनलॉक 1 के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी, लेकिन फिलहाल इसमें पूरी पाबंदी रहेगी। ये गाइडलाइंस 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी। अनलॉक के 3 चरणों में देश को खोलने का काम किया जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार अनलॉक 1 में मिलेंगी ये छूट। एक से दूसरे राज्य में आवाजाही के लिए किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च खोल दिए जाएंगे। अनलॉक 1 में 8 जून से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करेगा ताकि इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे और यहां कोरोना न फैले। देश में अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। देश के सभी हिस्सों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। हालांकि जरूरी सामान के लिए किसी भी तरह का कर्फ्यू नहीं रहेगा। अभी तक ये शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक था। अब अनलॉक 1 के दूसरे चरण में स्कूल कॉलेज खोलने पर सरकार फैसला लेगी। राज्य सरकारों को इस फैसले के लिए अधिकृत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने और सिनेमा हॉल जैसी जगह आम लोगों के लिए खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। आपको बता दें कि गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस पर बात की थी। इस बातचीत में लॉकडाउन 4 के हालातों की समीक्षा हुई। गृह मंत्री ने राज्यों से लॉकडाउन 5 को लेकर उनकी राय जानी। आगे के प्लान पर बातचीत भी हुई। लॉकडाउन 5 में राज्य सरकारों को अधिक शक्ति है। अब राज्य की सरकारें तय करेंगी कि कैसे राज्यों में बसें और मेट्रो सेवाएं शुरू की जाएं। नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर पाबंदियां लगा सकती है। लॉकडाउन 5 में देश के सामने दो चुनौतियां हैं। एक तरफ आर्थिक गतिविधियों में छूट के जरिए अर्थव्यवस्था को दोबारा से पटरी पर लाने की कोशिश होगी, तो वहीं दूसरी तरफ तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस को भी काबू करना होगा। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।